अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल होम किचन। आज जो मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी हम आपके लिए ला लेकर आए हैं, वो बहुत जल्दी से एक तो बनती है और है बहुत टेस्टी, जिसका नाम है अफ़गानी मसाला। ठीक है, चिकन अफ़गानी मसाला इसका नाम है। और जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, एक प्याली हमारे पास ये क्रीम है, थोड़ी सी दूध के साथ लिए हमने, और एक प्याली लिया है हमने दही इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, मसाला ग्रेवी है। दो चमचे लिए हैं कसूरी मेथी, जो हम इसकी मैरिनेशन में भी डालेंगे और फिर बाद में भी इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ड्राई स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक है एक चमचा, एक चमचा है सफ़ेद मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो आप ले लें, अगर नहीं है तो लें मत लें इसको। गरम मसाला एक छोटा चमचा है, हल्दी एक छोटा चमचा और चाट मसाला है एक चमचा। नमक इसमें इसीलिए हमने कम रखा है क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला यूज़ किया है, और एक बड़ा चमचा है इसमें काली मिर्च। अच्छा, अब जो हम पेस्ट बनाएंगे, इसके जो ग्रेवी बनाएंगे वो है 3 अदद हमने दरमियानी प्याज लिए हैं, अगर बड़ी साइज़ के प्याज है तो आप 2 ले लें। इसको हमने मोटा सा ऐसे काट लिया है, 1 हैंडफुल हरा धनिया, और ये हरी मिर्चें लिए हैं थोड़ी सी, 12 से 15 हरी मिर्च, और 1 अदरक का जो टुकड़ा था उसको हमने पीसेस में कर लिया है। ये सारी चीज़ें, दही और क्रीम, इन सब का एक पेस्ट बनेगा जिसको हम चिकन में लगाएंगे, इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ठीक है, और आधी प्याली इसमें जाएगा ऑयल। चलिए हम जल्दी से मसाले पीस लेते हैं और फिर चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है, एक थिक सा पेस्ट है, और अब हम इसको चिकन में डालेंगे। इसमें प्याज, हरा धनिया, क्रीम, दही और हरी मिर्चें और अदरक। ठीक है, क्योंकि ये हमने ज़्यादा बनाया है, इसकी ग्रेवी बनेगी, एक मसाला बनेगा अच्छा सा, इसलिए ये पूरा, ये देखें डिप हो गया। अब जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो हम इसमें डालेंगे, जिसमें कसूरी मेथी का जो हमने लिया था उसका एक हिस्सा इसमें डालेंगे, बाकी हम दम पे डालेंगे। नमक ले लेंगे सारा, ये तकरीबन 1 ही चमचा है। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला लेंगे और हल्दी लेंगे और थोड़ी सी लेंगे ये काली मिर्च। अब इन सबको मिक्स करके रख लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि सारे मसाले हमारे चिकन में जज्ब हो जाएं और अच्छी सी ये बन जाए। बहुत अफ़गानी जो खाने होते हैं वो बहुत, एक तो कम मसाले के बनते हैं और स्पाइसेस भी ज़रा इसमें कम ही होते हैं और जल्दी से भी बन जाते हैं। ठीक है, ये चिकन हमारी मिक्स हो गई है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, और हमने पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि पहले हमने चिकन को सेपरेटली इसको फ्राई करना है और दूसरी तरफ हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो 2 से 3 चमचे डालेंगे हम ऑयल के और सारी जो चिकन के पीसीज हैं वो इसमें हम फैला देंगे। चाहे तो आप स्पून यूज़ कर लें, लेकिन हम ऐसे ही काम चलाएंगे, हाथ से उठा के एक एक पीस हम ग्रेवी को झाड़ लें और इसको गोल्डन फ्राई करना है। सारे पीस इसी तरीके से रख देंगे, चाहे तो आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बोन के साथ अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी तमाम रेसिपीज़ आपको वहाँ मिलेंगी।
ये देखिए ये तमाम पीस हो गए हैं। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और ग्रेवी हम इधर साइड कर देंगे, अभी हम इसको पकने के लिए रखेंगे। ठीक है, 8 से 10 मिनट इसको फ्राई होने में लगेंगे जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। चलें फ्रेंड्स, अब हम अपनी ग्रेवी एक तरफ तैयार करने के लिए रख देते हैं। इसका फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो ड्राई कर लेना है इसको हमने। चलें इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल हमने फ्राई में भी डाल दिया है इसलिए अब हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि क्रीम भी है। ऑयल में हम डालेंगे, ये हमने लिए 4 लौंगे, 1 दालचीनी का पीस और ये 2 से 3 छोटी इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब जो हमारी ग्रेवी थी हम इसको ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार सी झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। अफगानी खाने वैसे तो सबको ही पसंद होते हैं, हमें भी बहुत पसंद हैं। और मैरिनेशन में मैंने इसमें अदरक लहसुन ऐड नहीं किया था क्योंकि वो हमें अपने मसाले में डालना था, तो 2 चमचे हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। ठीक है, अब इसको जब तक चिकन फ्राई होगी तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और फिर हम इसको देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, बस हमें यही वाला शक्ल इसकी चाहिए खूबसूरत सी। फ्लेम हमने बंद कर दिया है, अब जब मसाला रेडी हो जाएगा तो हम ये सारी चिकन अपने ग्रेवी में डाल देंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ग्रेवी चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा मसाला भुन चुका है और इसका फ्लेम स्लो कर दें। अब हम जो चिकन हमने फ्राई किए वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल की ज़रूरत नहीं है डालने की क्योंकि ऑयल इसमें ऑलरेडी है। मज़ेदार सी अफगानी मसाला चिकन तैयार है। अब हम इसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे 5 से 10 मिनट और फिर डिश आउट करेंगे। अच्छा, जो मेथी हमने बचाई थी कसूरी मेथी वो अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल सकती हैं लेकिन ये इतना स्पाइसेस नहीं होता तो वो फिर ओवर टेस्ट हो जाएगा। स्लो आंच करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे और हमारा चिकन मज़ेदार सा तो फ्रेंड्स चेक करते हैं। हमारी ग्रेवी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सालन रेडी हो चुका है। अब इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको हल्का सा चलाएंगे, इतना मसाला काफ़ी है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल है और खुशबू तो बहुत ही प्यारी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। बहुत प्यारा सा ये जो फ्राइड चिकन का कलर आया है, तो गाइस तैयार है हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी चिकन अफगानी मसाला। आप लोग हमारे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, बनी बहुत मज़ेदार है। ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।